मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था थ्योरी में, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया था कि थ्योरी के क्लास को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और आज का पहला क्लास है आप लोगों का, जिसका नाम है बेसिक ऑफ द ट्रेड। इसमें आप लोगों को सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से तरीका होता है कि हम चैप्टर का सबसे पहले ओवरऑल व्यू देखें कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो बेसिक ट्रेड में आपको सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। इलेक्ट्रीशियन मेनली जो रिपेयरिंग का कार्य करता है, मेंटेनेंस का कार्य करता है। आप देखे होंगे कहीं इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाता है, किसी का वायरिंग फेल्योर हो जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन जा करके ये सब मैनेज करता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। जैसे कि कहीं पे भी इंस्टॉलेशन का कार्य हो, नई इंडस्ट्री बनाना हो या फिर नई बिल्डिंग हो, तो वहाँ पे सबसे पहला काम होता है बिल्डिंग आर्किटेक्ट होने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। तो ये बहुत ही बेसिक ट्रेड है जिसमें आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाता है। और यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई के क्षेत्र में आपको सब कुछ आना चाहिए। आप वेल ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन होंगे तभी आपको कोई भी पूछेगा, बुलाएगा अपने कार्य के लिए। तो आप अपने स्किल को इसी तरीके से स्किल इंडिया 91 पे इम्प्रूव करते रहें अच्छे कंटेंट के साथ। और आप जानते हैं कि स्किल इंडिया 91 आपको एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ न्यूज़ भी देता है। और एक चीज़ और आपको बता दें, वीडियो आप लास्ट तक देखा करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ और हमें उससे आउटपुट मिल सके, ताकि वो आउटपुट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपको और अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी तो इलेक्ट्रीशियन के लिए क्लास शुरू किया गया है, आने वाले कल में आप लोगों को CHNM का क्लास, फिटर का क्लास देखने को मिल सकता है यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है चैनल पर। तो आप जानते हैं कि स्किल इंडिया एक टीम है, हम लोग तो दो लोग हैं, विकास और हम लोग कैमरा के सामने रहते हैं, बाकी टीम पीछे कार्य करती है, वीडियो को एडिट करना और ये सब जो भी कार्य होता है पीछे से मैनेजिंग का। तो वो एक स्किल इंडिया का कार्य चल रहा है, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन आप लोगों को जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ और बता दें, स्किल इंडिया यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है जो कि आपको शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देता है। ऐसा कोई चैनल आप नहीं बता सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा चैनल दिखे जो कि शुरू से अंत तक आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करे बिना पेड क्लास के, तो आप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिएगा इन वीडियो से। आप वीडियो को स्किप ना करें कभी भी, लास्ट तक देखें, ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, इसी में आपका बेनिफिट है। तो आइए अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक ऑफ द ट्रेड में आप लोगों को सबसे पहले आईटीआई होता क्या है। आप सोचेंगे कि हम तो आपको ट्रेड पढ़ाने जा रहे हैं लेकिन आईटीआई के बारे में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में 16-17 चैप्टर हैं जिसमें से कि आप लोगों को ये बेसिक ऑफ द ट्रेड पहला चैप्टर है जिसमें कि आपको अपने आईटीआई के बारे में ही सिर्फ जानना है। तो आप एक तरीके से आप जुड़े हैं एक संस्था के साथ। यदि आप कहीं से आईटीआई कर रहे हैं, प्राइवेट से, सरकारी से, तो वहाँ पे आप फिजिकली जा करके पढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप यहाँ से एक प्रकार से समझिए कि आपका ट्रेनिंग चल रहा है, आप स्किल इंडिया पे ट्रेनिंग कर रहे हैं आईटीआई के लिए। यदि आपके संस्था में पढ़ाई नहीं होता है तो आप स्किल इंडिया पढ़ सकते हैं। पढ़ाई होता है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो भी स्किल इंडिया पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली आईटीआई एक ट्रेड है, एक ब्रांच है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपको सारा कुछ समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जैसे कहीं पे भी लाइट इंस्टॉल करना है, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है या फिर कोई मेंटेनेंस का कार्य हो। आपको पता होगा कि UPPCL एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है पावर कॉर्पोरेशन। जैसे बहुत से सोलर पैनल कंपनी हैं जो कि आजकल इलेक्ट्रीशियन हायर करते हैं अपने कार्य को करवाने के लिए। तो आप वेल ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन होंगे तभी आप उनके लिए कार्य कर पाएंगे। तो आप स्किल इंडिया से जुड़े रहें और सीखते रहें। देखिए, ये ट्रेड बहुत ही बेसिक ट्रेड है।
जिसमें आपको आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपका 10th होना चाहिए, मिनिमम है ये, मैक्सिमम आपका कोई भी डिग्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एडमिशन लेना है आईटीआई में तो मिनिमम 10 पास होना चाहिए, 10 के बाद आप आईटीआई करते हैं। आईटीआई में कई प्रकार के ट्रेड होते हैं, 1 ईयर के भी होते हैं, 2 ईयर के भी होते हैं, 3 ईयर के भी होते हैं और 6 मंथ के भी होते हैं। तो देखिए ये जो 6 मंथ वाला होता है ये गवर्नमेंट का एक प्लान होता है जिसमें कि आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाया जाता है। शॉर्ट टर्म में आप कई सारा स्किल देखे होंगे आपके आसपास में, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कंडक्ट करवाते रहते हैं समय समय पे, और लोकल में इसका एडवर्टीजमेंट भी आता है कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर का लोकल कोर्स करना चाहते हैं, छोटा मोटा आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर पर कैसे बैठते हैं कैसे कार्य करते हैं, तो वो सीख सकते हैं यहाँ पर। और 1 ईयर कोर्स में जैसे प्लम्बर हो गया, फिर उसके बाद वेल्डर हो गया, ये 1 ईयर कोर्सेस में आते हैं, तो इसमें भी आपको 1 साल में बहुत कुछ सिखाया जाता है। और 2 ईयर ट्रेड में तो आप जानते ही हैं बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, ये सब बड़े जो ट्रेड हैं ये 2 साल के होते हैं, और इन ट्रेडों में आपको 2 साल का कोर्स करवाया जाता है। इसमें भी कई तरीके के अब क्लासिफिकेशन हो गया है, DST आ गया है। DST में क्या है कि आपको 12 महीने में से 9 महीने कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग करवाया जाता है इंडस्ट्री में, और फिर उसके बाद और सब आपका थ्योरी का क्लास होता है। और 3 ईयर के कोर्सेस में बहुत ही कम आईटीआई के कोर्सेस आते हैं, जिसमें से भी आप देखे होंगे कि प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल किया जाता है, यूज किया जाता है, बहुत ही कम कोर्स होते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं। तो आप इसमें देखे होंगे मिनिमम ही, जैसे कोई गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक संस्था होती है जहाँ पे कि 3 ईयर का कोर्स चलाया जाता है, नहीं जनरली आपको 3 ईयर का कोर्स नहीं देखने को मिलता है, आपको 1 ईयर और 2 ईयर का कोर्स ही जनरली देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रीशियन 2 साल का है कोर्स, जिसमें कि आपको रिपेयरिंग करना, मेंटेनेंस करना, मोटर को चलाना, उसका देखभाल करना, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत। और आपको बता दिए हैं कि इसका स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में कितना आवश्यकता होता है इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन ही सब कुछ मैनेज करते हैं, वहाँ पे जो वर्कर होते हैं वो तो इंटरनल वर्क करते हैं फिजिकल, लेकिन वहाँ पे जितनी भी मशीनरी लगी होती हैं उनका देखभाल करना, उसको चलाना, मेंटेन करना, वो इलेक्ट्रीशियन का ही कार्य होता है। तो ये तो हो गया आपका इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, और फिर उसके बाद आपका स्कोप हो गया, अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि UPPCL में आप जा सकते हैं, UPPCL TG2 में आप जानते हैं कि वहाँ पे आपको SSO के रूप में रखा जाता है, जहाँ पे कि सब स्टेशन से ट्रांसमिट होकर के जो लाइट आती है वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है, और वहाँ पे आप कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आप एथिक्स ऑफ द ट्रेड क्या है, एथिक्स का मतलब कि आप यदि इलेक्ट्रीशियन से जुड़े हैं, सीख चुके हैं, तो आपका मेन कार्य क्या होगा वहाँ पे। तो इलेक्ट्रीशियन का यही कार्य होता है कि वो जहाँ पे भी रहे मेंटेनेंस का कार्य करे। यदि आपके घर में कोई भी चीज़ लगा है, हीटर लगा है, गीजर लगा है, या फिर कुछ भी लगा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, तो उसमें आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे आप रिपेयरिंग करेंगे, तो वो ITI का कार्य होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही चैनल पे नए वीडियो देखने को हमेशा आपको मिलता रहेगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा ऐसे ही, और ये लंबा सीरीज होने जा रहा है। लंबा सीरीज आपको हम बता चुके हैं कि ज़्यादा लेक्चर होगा, आप इत्मीनान से पढ़ते रहिए, आप सीखेंगे डेफिनेटली अच्छा, और स्किल इंडिया आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगा। और जब तक हम YouTube पे रहेंगे आपको फ्री में लेक्चर मिलता रहेगा, हमारा कोई पेड क्लास नहीं आने वाला है इन फ्यूचर भी। जब तक हम एजुकेशन सेक्टर में हैं तब तक आपको फ्री में मिलेगा। जो संस्था या फिर जो YouTube वाले बोलते हैं 4 लेक्चर पढ़ा देते हैं फिर उसके बाद अपने पेड क्लास पे बुलाते हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, एक्चुअली उन्हें खुद नहीं पता होता है कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, बस उनको पैसा कमाने से मतलब होता है
और वो आप लोगों को गुमराह करके इधर उधर की बातें करके आपको पेड क्लास दिलवाते हैं। जनरली आपको सब कुछ यूट्यूब पे स्किल इंडिया प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमारा वादा है। आप इसी तरीके से स्किल इंडिया के साथ बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।